किसान ही बनेंगे बीज बैंक के मालिक। आत्मनिर्भर भारत योजना में दिया जाएगा लाइसेंस। तो किसान भाइयों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की घोषणा फलीभूत हो रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग ने बीज बैंक योजना को बड़े पैमाने पर शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत अब देश भर में जिलेवार बीज बैंक बनेंगे। इसके लिए किसानों को ही बीज का लाइसेंस दिया जाएगा। इससे किसान बीज के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना में देश के 650 जिलों में बीज बैंक खोले जाने हैं। देश में इस समय लगभग 30% बीज किसान स्वयं बनाता है। बाकी बीजों के लिए उसे बाजार और सरकारी सस्ते बीजों की उपलब्धता पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में कई बार उसे बीज की गुणवत्ता के चलते बड़ी ही कम पैदावार या बीमार फसल जैसी दुश्वारियां भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में किसानों को इस दिशा में सक्रिय करने के लिए मंत्रालय ने पूर्व लाइसेंस नियमों में काफ़ी ढील दी है। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसके योग्यता की। तो इसमें अब बीज बैंक लाइसेंस के लिए कक्षा 10 ही पास होना काफ़ी होगा। किसान को स्थानीय कृषि प्रसार केंद्र पर प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। लाइसेंस के लिए अन्य योग्यताएं हैं, उसके पास अपनी या बटाई या पट्टेदारी में कम से कम 1 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। उसे राज्य स्तर से बीज के स्तर और मानकों के लिए निबंधन और प्रमाणन करना होगा। सरकार द्वारा उन्हें एक मुफ्त रकम प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा भंडारण की सुविधा के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों पर सब्सिडी भी दी जाएगी। बीज बैंक का लाइसेंस लेने वाले किसान को उसके बीज का बाजार दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बीज का मूल्य भी पहले से ही तय किया जाएगा। इसके लिए फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 20% राशि को जोड़कर प्रसंस्करण बीज के आधार पर क्रय मूल्य का निर्धारण राज्य बीज निगम करेगा। इसके लिए बीज निगम पहले प्रयास में बीज उत्पादक किसानों के खलिहानों से बीजों का संग्रहण करेगा। नए बीज उत्पादक किसानों को बीज उत्पादन के लिए क्षेत्रीय प्रबंधन एवं केंद्रीय प्रभारी द्वारा आधार बीज का मूल्य का भुगतान लेकर उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि एवं कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर बीज बैंक हो जाने से किसान को अच्छे और सस्ते बीज मिलने की राह तो आसान होगी ही, साथ ही साथ किसान को उच्च गुणवत्ता की फसल को उपजाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि उन्हें इस प्रक्रिया के चलते महंगे बीजों से निजात और उत्पादन की विश्वसनीयता का लाभ मिल सकेगा। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय पर।